रविवार को हरियाणा HSSC के जूनियर इंजीनियर का परिणाम जिले के लिए बहुत ही सुखद भरा रहा, जिसमें एक साथ जिले के 33 युवाओं का चयन हुआ। इस मौके पर नुहू खंड के गांव शाहपुर नगली के युवा सोएब पुत्र सफी मोहम्मद का ग्राम पंचायत द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। ग्राम के अति गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाले युवा सोएब ने सिविल से इंजीनियरिंग की थी। उन्हें कभी उम्मीद भी नहीं थी कि प्रदेश की ईमानदार मनोहर सरकार में उनकी नियुक्ति आसानी से हो जाएगी। उन्होंने सरकार द्वारा बिना भेदभाव के नियुक्ति करने पर आभार प्रकट किया है। इस मौके पर गांव के सरपंच हाजी अब्दुल्ला ने कहा कि यह उनके गांव व क्षेत्र के युवाओं के लिए बहुत ही गर्व की बात है। कभी मेवात क्षेत्र के युवाओं को प्रदेश में कहीं पर भी कोई स्थान नहीं मिलता था, लेकिन अब जिस तरह से मनोहर सरकार में युवाओं को स्थान दिया जा रहा है, उससे आने वाले समय में जिले के युवा अपनी पढ़ाई के प्रति गंभीरता बरतेंगे। ऐसे में उन्होंने युवाओं से अनुरोध किया है कि वह अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दें, ताकि आने वाले समय में और तरक्की के पथ पर आगे बढ़ सकें। इस मौके पर हाजी सपात, हाजी अतर खां, अब्दुल रज्जाक, आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। नुहू से जुबैर खान की रिपोर्ट, MTV मेवात को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा सरकार को, मतलब लॉकडाउन जैसे मुश्किल हालात में भी अपने भर्ती पूरी की उन्होंने। हाँ, पूरी ईमानदारी से बिना रिश्वत पूरी किया। तो कितने लोगों को सिलेक्शन हुआ मेवात से? आप लोग 35 इतने तो पता चल गया अब तक, ऊपर भी हो सकते हैं अभी तो। सरकार को ये संदेश देना चाहता हूँ बेसहारे लोगों को, जो हमारे मेवात एक पिछड़ापन एरिया है, इलाका है पूरा। सरकार ने जो ये कदम उठाए बड़े सराहनीय कदम है। मैं मनोहर लाल का, सरकार का और नेतागण साहिबान का और ज़्यादातर इन बच्चों का, जो इन्होंने अपने ईमानदारी, अपने एजुकेशन और तालीम जो हासिल की, मैं इनके लिए और इस परिवार के लिए धन्यवाद करता हूं। और ज़्यादातर मैं सरकार, हरियाणा सरकार का धन्यवाद करता हूं, जो हमारे बच्चे बेसहारे लोगों को जो रोज़गार दिया। जय का बहुत बड़ा एक पद होता है। मैं तो इन बच्चों से यही आग्रह करता हूं कि अपनी ईमानदारी के साथ और हर काम को आगे बढ़ाकर चलें, और जो है कि ईमानदारी के साथ सीढ़ी से सीढ़े पर इनको पहुँचना है, ये गाँव की शुभकामना है। और सरकार का हमेशा हमेशा के लिए हमें साथ चाहिए हैं। और आगे जो हमारे जो बच्चे जो बेरोजगार हैं, उन बच्चों को भी रोजगार दिलाने की कोशिश करें। मेरा मनोहर लाल सरकार से यही आग्रह है। खुदा हाफिज। जय हिंद, जय भारत।